जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोशाम भिवानी। साथियों, आज हम ताऊ देवलाल स्टेडियम के पीछे सेक्टर 3 में हैं, जहां पर फीमेल कांस्टेबल HAP दुर्गावन फीमेल कांस्टेबल का आज फिजिकल होना है, जहां पर ये एडवर्टाइज 4/2020 कैटेगरी नंबर 3 है। और आप देख सकते हैं आज 29 दिसंबर 2021 को आज बुधवार का दिन है और सुबह सुबह ही 4 शिफ्ट में ये फिजिकल को कंडक्ट किया जा रहा है। सभी लड़कियों को एक ही दिन बुलाया है और आज अभी नोटिस भी आ गया है लास्ट में, जो अब्सेंट हैं लड़कियां उनके लिए कल एक चांस दिया गया है फिजिकल में। तो साथियों, अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये इंट्री गेट है, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और हमारी ये बहनें फिजिकल के लिए आ गई हैं दुर्गा शक्ति वन की। आप देख सकते हैं ये इंट्री गेट से, और ये शिफ्ट वाइज इनको पंक्तियों में बैठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें ये नहीं था कि भाई कौन सी शिफ्ट का कभी भी जाओ, इनमें बिल्कुल शिफ्ट वाइज ही अंदर भेजा गया है। पहली शिफ्ट 8 से 8:30 है, दूसरी शिफ्ट 10 से 10:30 तक, और तीसरी शिफ्ट 12 से 12:30, और चौथी शिफ्ट 2 बजे से 2:30 बजे तक है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये इंट्री गेट है और यहाँ पर पुलिस वाले भाई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और सभी जो गार्जियन पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को लेकर के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बहनें फिजिकल के लिए अंदर जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ये फिजिकल कंडक्ट किया जा रहा है दुर्गा शक्ति HAP का। आप ये देख सकते हैं फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन सुनने में आ रहा है वो रिवाइज होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भाई अपनी अपनी लड़कियों को अंदर फिजिकल के लिए भेज रहे हैं, और ये पेट्रोल पंप है मेन रोड पर, इसके साथ में एग्जिट गेट बना हुआ है, जो जिसका भी फिजिकल हो जाता है वहाँ से बहनें बाहर निकल रही हैं। थोड़ी देर में आपको रिव्यू करके भी दिखाएंगे, सभी बहनों का इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है ये। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं भाई, ये देखो यहाँ पर सारी बसें वगैरह रुक रही हैं, और ये एग्जिट गेट का शानदार नज़ारा है यहाँ पर। ये देखो जिनका फिजिकल हो गया फर्स्ट शिफ्ट का, ये अभी निकलने लगे हैं। सभी गार्जियन गाड़ी ले कर आए थे, कुछ गाड़ियों कुछ बसों से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये भाई अपनी अपनी बेटी बहनों सभी को लेकर के आए हुए हैं। ये देखो सभी बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, और ये एग्जिट गेट का नज़ारा है यहाँ पर। यहीं से ये बहनें बाहर निकलेंगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे इनका रिव्यू लेकर के कैसा क्या दिखते आ रही हैं। ये देखो आनी शुरू हो गई हैं लड़कियाँ बाहर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्तिवन फीमेल कांस्टेबल का आज फिजिकल चल रहा है, और ये एग्जिट गेट है यहाँ पर। ये देखो सभी गार्जियन पेरेंट्स खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। यहाँ पे देख सकते हैं ये महिला कांस्टेबल बैठी अपनी ड्यूटी कर रही है, भाई पुलिस वाले देखो आप शानदार। यहाँ पर ये बहुत ही आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है, दौड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, हवा तो ज़रूर चल रही भाइयों यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से देख रहे हैं, और ये फिजिकल कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखियो भाई साहब, और वो सामने ही है, यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, और यहाँ से लड़कियाँ जा रही वापस मुड़ के। ये देख सकते हैं ये बहनें बाहर आ रही हैं फिजिकल दे करके। Finding
और दोस्तों, जो भी फिजिकल में आज नहीं पहुंची हैं, जो भी हमारी बहनें, उनके लिए एक चांस दिया जा रहा है। आपको हम अब आगे दिखाएंगे कि उनको कल जो है वीरवार के दिन उनको बुलाया, जो भी अब्सेंटी कैंडिडेट हैं। और ये आपको पता ही है, दुर्गा शक्ति का फिजिकल है ये, आप देख सकते हैं इस लेटर को ध्यान से, और हमारे चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइज इसमें दे रखा है, ये पूरा इसको इस प्रकार से फिजिकल किया जा रहा है। दोस्तों ये भाई कहाँ से हो भाई साहब आप? खन्नक से? आपकी लड़की का फिजिकल है? लड़की का। ये पेरेंट साहब हैं भाई, खन्नक गांव से हैं ये, प्रदीप जाटान। ठीक है, अपनी लड़की को लेके आए यहाँ पर फिजिकल के लिए। फिजिकल था आज आपका? यस सर। कितने बजे शुरू था आपका फिजिकल? फिजिकल वैसे तो एंट्री 2 बजे की थी, लेकिन हम 1 बजे पहुंच गए थे, तो हमें यहाँ पे वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। अच्छा, 1 बजे चले गए थे आप। कितनी चिप बांध रहे हैं पैर के? 2 चिप है। 2 चिप बांध रहे हैं। अच्छा, और सेंसर कितने लगे हुए हैं? सेंसर स्टार्टिंग पॉइंट पे है, फिर 400 मीटर पे है, फिर 500 मीटर पे है, फिर एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग में है। सीधा जाना है या फिर मुड़ना भी है? अच्छा, इस प्रकार से। आप कहाँ से हो? मैं करनाल से। करनाल से? अच्छा, कितने आपके नंबर कितने बन रहे हैं? मेरे 65 क्वेश्चंस ठीक थे, 0.8 के हिसाब से 50 के आसपास। ओके, और एक्स्ट्रा नंबर भी हैं आपके? नॉन गवर्नमेंट जॉब की है और ग्रेजुएशन के भी मिलेंगे। चलो बहन, थैंक यू, आपका सिलेक्शन हम यही कामना करते हैं। ओके। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. कहाँ से हो भाई साहब? मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला से ही हो? अच्छा भाई साहब, बताओ आपके क्या व्यू थे, क्या कहना चाहते हो सरकार को इन छोरियों के फिजिकल के बारे में? मेरा व्यू एक तो ये था जी, एक तो शॉर्ट, बड़े शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इनको बुलाया गया। हाँ, ये तो है जी, पहले वाले दिन एडमिट कार्ड आए इनके। हाँ, तो एटलीस्ट 15 डेज का इनको प्रिपरेशन का मौका दिया जाना चाहिए था। ओके। और दूसरा, इनको थोड़ा सा इंटरवल में बुलाया जाना चाहिए था कि 100-100 के बैच, 200-200 के, एकदम बहुत ही अव्यवस्थित हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, इनक्रिमिनेशन बहुत हो रही है, ट्रांसपोर्ट की भी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली अगर गर्ल्स के एंगल से देखें तो बहुत ज्यादा सुविधा चाहिए थी, पर वो बहुत परेशान हो रही है। तो आपका कहना है कि पहले फिजिकल को कंडक्ट किया जाना चाहिए? हाँ, मेरा एक पॉइंट ये भी था, क्योंकि ये एक फोर्स की भर्ती है, हमारा जब भी ये रिक्रूटमेंट होती है तो इसमें जहाँ पे अगर कहीं इनको इम्प्लॉय करेंगे, जहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इस इनको, तो वहाँ पे एक सुरक्षा की जरूरत होती है, तो सुरक्षा के मद्देनजर हमारा जो स्टाफ है जो, वो स्ट्रांग होना चाहिए, उनका बिल्ड अच्छा होना चाहिए। तो पहले अगर भर्ती, अगर फिजिकल की अगर टेस्ट हो, तो उसमें ये कैंडिडेट थोड़े फिल्टर हो जाएं, उसके बाद फिर उनमें से फिर अगर बाद में अगर हम एग्जाम कंडक्ट करें, फिर वो प्रोसेस। यहाँ पे तो पहले टेस्ट होता है जी, टेस्ट में जितने बंदे बैठते हैं उनके 7 गुना बंदे यहाँ पे बुलाते हैं ये फिजिकल के लिए। कुछ फिजिकल में रह जाते हैं 2%, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में रह जाते हैं, आखिर में एक वैकेंसी में 4 बच्चे बचते हैं जी। 4 बच्चे बचते हैं। हाँ, तो आपका कहना है कि पहले फिजिकल होना चाहिए? फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि बेल्ट फोर्स में। हाँ, फोर्स में आप बाकी अगर। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा रणबीर सिंह। रणबीर सिंह है पंचकुला से भाई, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो सरकार को इन पर संज्ञान लेना चाहिए भाई साहब की बात पे। बात भी सही है, पहले फिजिकल होना चाहिए यहाँ पर। ये नौकरी ऐसी है कि यहाँ पे दुर्गा शक्ति टफ नौकरी है, तो लड़कियों के लिए तो इनमें पहले फिजिकल होना चाहिए था पहले जी। चलो सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।